अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर भी करूँगा और कुछ आपके सवालात भी जो है ना आपकी जो है ना आपके जहन से दूर करूँगा। मसलन के तौर पर आप सोचते हैं, यार अगर मेरी इस स्पेशल एग्ज़ाम के दौरान कोई सप्ली आ गई तो क्या फिर मुझे दोबारा से पेपर देने पड़ेंगे, या फिर मैं एज ए होल हो जाऊँगा, या फिर मुझे अगले साल पेपर देना पड़ेगा। आपका ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस हवाले से और भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आज तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इन सवालों के बारे में मैं बोर्ड से स्पेशल रابطہ करूंगा और मेरे एक दोस्त बोर्ड हैं जिनसे मेरा رابطہ भी है, तो मैं उनसे पूछूंगा सर इन हवाले से आपका क्या रिव्यू है और इन बच्चों के साथ आप क्या करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस पे मैं आपको बात करूंगा, आज आपकी चेकिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप पेपर तो दे रहे हैं माशाल्लाह। कुछ बच्चे डरे हुए हैं कि सर हमने एक दो पेपर तो दे दिए हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हम अगले पेपर भी ना दें क्योंकि हमारे पेपर अच्छे नहीं हो रहे, तो ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। आज मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि आप पेपर जो ना आपने पेपर कोई भी पेपर आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है मैं आज की इस वीडियो को आपको बता दूंगा इसका बेनिफिट क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ है आपके लिए। तो चलिए, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कह लिए आपने इसको सब्सक्राइब और साथ में घंटी और वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर देना। यार लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, ना कि आपके कोई पैसे खर्च होते हैं, ना कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपका कौन से बोर्ड से हैं, आपका किन जगह से ताल्लुक है, तो आप नीचे सिंपली कमेंट में रहकर इजहार लाजमी दीजिए, ताकि मैं भी जो है ना आपके हर बोर्ड से रब्ता करके आप तक भी आपके हवाले से भी खबर ये जो ना शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, तो कुछ लोग जो ना पेपर नहीं दे रहे, सर पेपर अच्छे नहीं हो रहे, तो हमारी जो चेकिंग कोई पता नहीं कैसे होगी, क्या होगा इस हवाले से। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपकी जो चेकिंग होगी वो ढीली होगी, वो कमज़ोर होगी, ना कि सख्त करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। ये आप मतलब एक जहन में बैठा लें, आपका पेपर जैसा भी होता है आपने पेपर अटैम्प्ट लाजमी करना है। दूसरी बात, आपने ये बात भी शेयर किसी नहीं करनी कि हमारी चेकिंग ढीली होगी, ये होगी वो होगी। आपकी जो चेकिंग होगी वो बहुत ही मतलब ढीली होगी, ना कि कोई सख्त करेंगे, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खबरें होती हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो हमेशा की तरह मैं आपसे इस चैनल पर शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ लोग पहले तो नहीं मानते, बाद में कहते हैं हाँ सर आपने बिल्कुल ही राइट कहा था, वाकई ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी जो चेकिंग है, पहली बात मैं ये आपको कन्फर्म करके कहता हूँ कि आपकी चेकिंग जो होगी वो ढीली होगी। इसके अलावा आपको अभी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा कि आपके पेपर हैं बहुत स्ट्रांग नहीं है, सख्त नहीं है, उनमें काफ़ी जो है ना आप देखें तो काफ़ी लो नज़र आ रहा है, मतलब काफ़ी मतलब वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको इस दफ़ा किसी बच्चे को हम जो है ना सप्ली ना दें, किसी बच्चे को फेल ना करें, हर एक को पास करें, उनका डिसीजन सबसे पहला यही है हर बोर्ड का। तो आप जो है ना पेपर अपने देते जाएं, आपने परेशान नहीं होना, जैसा भी हो आपने अटैम्प्ट सारे करना है, वो आपको कोशिश करेंगे कि आप हर बच्चे को पासिंग मार्क लाजमी दें। बाकी आपके जो भी सवाल हैं आप सिंपली कमेंट में रखें, इंशाल्लाह मेरी हर बोर्ड से रब्ता होगा, मैं हर बोर्ड से आपसे जो है ना आपका जो भी सवाल होगा वो कन्फर्म करके आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।